आज इस वीडियो में हम चार ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिन्हें जापान वाले अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जापान क्वालिटी के मामले में दुनिया की नंबर वन कंट्री है। वहाँ की कंपनियाँ सिक्स सिग्मा के लेवल पर चलती है, मतलब अगर वो लोग 10 लाख प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें से डिफेक्टिव प्रोडक्ट 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर हम 1000-2000 प्रोडक्ट भी बना रहे हैं उसमें से भी 10-20 प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाते हैं। तो आप खुद ही समझ जाइए कि हम कौन से सिग्मा लेवल पर चल रहे हैं। तो आज जो टेक्निक्स हम जानेंगे वो आपको हेल्प करेगी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, बिजनेस को स्मूथली चलाए रखने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी है वो टेक्निक्स। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, पहली टेक्निक है 5S। ये एक हाउसकीपिंग टेक्निक है। ये 5S कौन से हैं? सैरी, सिटोन, सिसो, सिकेत्सु, सित्सुके। अब इनका एक एक करके मतलब समझिए। सबसे पहले सैरी, इसका क्या मतलब है कि आपके वर्क प्लेस में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में जो कुछ भी सामान है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब की शॉर्ट लिस्टिंग करना, उन्हें छांटना, उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करना। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत कभी कभार पड़ती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत या तो साल में एक बार पड़ती है या बिल्कुल भी पड़ती ही नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करना, उनको छांटना। दूसरा सेटॉन, इसका क्या मतलब है? सेट इन ऑर्डर, मतलब जो हमने सभी चीज़ों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हमने उनको शॉर्ट लिस्ट किया है, अब उनको ऑर्डर में अरेंज करना। जो चीज़ें हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है उनको हमें कहाँ रखना है, जिनकी ज़रूरत कभी कभार पड़ती है उन्हें कहाँ रखना है, और जिनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती उनको कहाँ रखना है, उनको एक बिल्कुल अरेंजमेंट के साथ ऑर्डर में रखना, ताकि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो हमें तुरंत मिल जाए, उसे ढूंढने में हमारा टाइम ख़राब ना हो। अब तीसरा सीसो, मतलब क्लीनिंग। हमारा जो वर्क प्लेस है, जो मशीनों वाला एरिया है, उसे बिल्कुल क्लीन रखना है। हमारा जो मशीन ऑपरेटर है उसे हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि भैया अपनी मशीन के आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन रखना है। इसके बाद सिकेत्सु, इसका मतलब कि जो भी ये सारी चीज़ें हैं इनके लिए हमें एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना है, हमें कुछ पॉलिसी बनानी है, कुछ रूल्स बनाने हैं, कुछ नियम बनाने जिन्हें सब फॉलो करें। और जो पाँचवा पॉइंट है सित्सुके, इसका मतलब कि जो ये हमने रूल्स बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, इन्हें हमें कल्चर में बदलना होगा, हमारे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉई है, उनकी आदतों में बदलना होगा। तो ये 5 पॉइंट हो गए, सैरी, सिटोन, सिसो, सिकेत्सु, सित्सुके। तो ये पहली टेक्निक हो गई 5S टेक्निक। अब जो दूसरी टेक्निक है वो है पोकायुके। देखिए, ये एक मिस्टेक प्रूफिंग टेक्निक है, मतलब किसी प्रोसेस में क्या गलतियाँ हो सकती है वो गलतियाँ ना हो, उसके लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई पार्ट है, उसे 3 मशीनों में से होकर गुजरना है, उस पर 3 ऑपरेशन होने हैं, ऑपरेशन ए, ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी। अब हम क्या करेंगे कि ऑपरेशन बी वाली जगह पर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर देंगे कि अगर उस पार्ट पर बाई चांस ऑपरेशन ए नहीं हुआ है तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर ऑपरेशन ए नहीं हुआ है। अब जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जो बड़े बड़े मैनुफैक्चरिंग प्लांट होते हैं जहाँ ऑटोमेशन होता है, वहाँ पर जब कन्वेयर बेल्ट पर प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो कन्वेयर बेल्ट के बगल में एक ऑटोमेटिक सेंसर लगा रहता है। वो क्या करता है? वो डिफेक्टिव पीस को डिटेक्ट करता है। तो ये क्या है? ये भी एक तरह का पोकायुके डिवाइस है। और जैसे कार का जो पेट्रोल टैंक होता है, उसका जो ढक्कन होता है, उस पर लिखा रहता है कि पेट्रोल या डीजल, जिससे क्या है कि सामने वाले को पहले ही ये पता चल जाए कि इसमें पेट्रोल डालना है या डीजल डालना है, ताकि उससे कोई गलती ना हो। तो इस तरह से जो है पोकायुके का मतलब हो गया कि हम पहले ही वो काम कर देते हैं जिससे कि कोई गलती होने की गुंजाइश ही ना हो। अब जो तीसरी टेक्निक है वो है काइजेन। देखिए, इसे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। एक तो होता है कंटिन्यूअस, एक होता है कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअस का मतलब कि हम लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं बिना रुके, और कंटिन्यूअल का मतलब कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं फिर रुक रहे हैं, खुद को सस्टेन कर रहे हैं,
फिर वापस इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर वापस रुक रहे हैं, फिर वापस इम्प्रूव कर रहे हैं। देखिए ये काइजन जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने कुछ इस तरह का आइडिया लगाया जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम हो गई, तो ये भी काइजन का पार्ट है। आपने कुछ इस तरह का आइडिया लगाया जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो गई, तो ये भी काइजन का पार्ट है। आपने कुछ इस तरह का काम किया जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो ये भी काइजन का पार्ट है। आप अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके जो वर्कर्स हैं उनके लिए काम करना आसान हो रहा है, तो ये भी काइजन का पार्ट है। जैसे मान लो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ कोई बीच में कुछ इस तरह का सामान पड़ा है जो हमेशा आने जाने वालों के पैरों में लगता है, तो उसे हटाकर अगर आप कहीं और रख देते हैं तो ये भी काइजन का पार्ट है। आपका वर्कर जिस टेबल पर काम करता है वो अगर काफ़ी नीची है जिसकी वजह से उसको दिक्कत होती है, तो अगर आप उसे ऊंचा कर देते हैं तो ये भी काइजन का पार्ट है। मतलब कुछ भी ऐसा करना जिसकी वजह से आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये हो गया काइजन। अब जो चौथी टेक्निक है वो है 3M। इसे वेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए ये 3M कौन से हैं, मुरा, मुरी, मुदा। मुरा का क्या मतलब है कि जैसे कोई मशीन है उस पर कोई प्रोडक्ट कभी तो काफ़ी जल्दी बन रहा है लेकिन कभी वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो उसका जो साइकिल टाइम है वो एक जैसा क्यों नहीं आ रहा, अलग अलग क्यों आ रहा है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। मुरी का क्या मतलब है, जैसे कोई मशीन है उस पर हम ज़्यादा लोड तो नहीं डाल रहे, उसका जो ऑपरेटर है उसको हमने एक साथ काफ़ी सारी मशीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दे दी, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहे, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। और मुदा इसका क्या मतलब है, जो चीज़ें टोटली यूजलेस है उनको आइडेंटिफाई करना। देखिए इसके अंदर 7 पार्ट आते हैं जिनको हम शॉर्ट में टीम वुड बोलते हैं। टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जब हम अपने प्रोडक्ट को या अपने स्टॉक को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भेजते हैं तो हमें वहाँ पर फालतू की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं आ रही, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। आई का मतलब है इन्वेंट्री, कि हमने कहीं फालतू का रॉ मटेरियल या फालतू का बहुत सारा स्टॉक तो नहीं ले रखा, क्योंकि देखिए उसके रख रखाव में भी खर्चा आता है और उसके खराब होने का भी रिस्क होता है। एम का मतलब मोशन, मतलब हमारे वर्क प्लेस में जो भी वर्कर्स हैं तो उनका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तो इधर से उधर नहीं घूम रहे, उसे हमें कम से कम रखना है। डब्लू का मतलब है वेट, मतलब जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है उसे पहले लेथ मशीन पे बनना है फिर उसके बाद VMC मशीन पे, तो ये जो लेथ मशीन वाला बंदा है ये कहीं उस प्रोडक्ट को जो है उस प्रोसेस को पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रहा, क्योंकि इसकी वजह से फिर VMC मशीन वाले को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ओ का मतलब है ओवर प्रोसेसिंग, मतलब जो ये लेथ मशीन वाला बंदा है ये कहीं बहुत ज़्यादा तो प्रोडक्ट बना बना के नहीं रख रहा, क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि फिर जो VMC मशीन वाला है उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। इसके बाद जो ओ है उसका मतलब है ओवर प्रोडक्शन, मतलब हमने कहीं ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन तो नहीं कर दिया, हमने कहीं बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट तो बनाकर नहीं रख दिए, क्योंकि देखिए उसके रख रखाव में भी खर्चा आएगा और ख़राब होने का रिस्क भी रहेगा। ये जो फिनिश प्रोडक्ट है ये हमारे लिए अभी कोई वैल्यू एड नहीं कर रहे क्योंकि ये मार्केट में बिक नहीं रहे, ये यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है। और डी का मतलब है डिफेक्ट, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। तो ये जो 4 टेक्निक्स हैं अगर इन्हें आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे आपकी फैक्ट्री है या आपका किसी भी तरह का बिजनेस है, तो आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी और आपका बिजनेस बिल्कुल स्मूदली तरीके से चलेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके जरिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।